तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक इन द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम कर रहे थे बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में, साथ में हमने बात करी थी पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बचे हुए जो हमारे जो दो टिश्यू थे सिंपल परमानेंट टिश्यू में, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो परमानेंट टिश्यू में तो पहला हमारा कौन सा था भाई? सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा था, तो आज हम बात करेंगे कोलनकाइमा के बारे में। ठीक है, तो कोलनकाइमा की विशेषताएं क्या है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, जो कोलनकाइमा जो होता है बेसिकली इट इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है भाई, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का मतलब होता है ये जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, जो लीफ का पेटियोल है या स्टेम है, दूसरे जो भाग होते हैं वहां पर ये एक प्रकार की क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसको सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस एक प्रकार का ये सपोर्टिव टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर बात ध्यान देने वाली बात क्या है, कोलनकाइमा के अंदर लिग्निन एब्सेंट होता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा कि जो कोलनकाइमा होता है इसके अंदर क्या लिग्निन एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसकी शेप की बात करें, दे आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होते, लंबे होते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं और पॉलिगनल इन शेप हो सकते हैं। ठीक है, तो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ओवल सेल्स होते हैं, स्फेरिकल सेल्स होते हैं और पॉलिगनल सेल्स हमें देखने को मिलते हैं कोलनकाइमा के अंदर। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ पेक्टोसेल्युलोज। ठीक है, यानी कि जो कोलनकाइमा के सेल्स होते हैं ना, इसके इस वाल के अंदर, ठीक है, इसकी प्राइमरी जो वाल होती है, प्राइमरी वाल के अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, किस प्रकार के कौन से केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है पेक्टोसेल्युलोज, मेनली पेक्टिन की बात हो रही है, पेक्टिन प्रेजेंट होता है, हेमिसेल्युलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ में यहां पर होता है सेल्युलोज, यहां पर क्या होता है, सेल्युलोज होता है। ठीक है भाई, तो कोलनकाइमा के अंदर क्या मिलेगा आपको, पेक्टिन देखने को मिलेगा, हेमिसेलुलोज देखने को मिलेगा और सेलुलोज देखने को मिलेगा इसकी प्राइमरी वाल के अंदर। यानी कि जो इसकी सेल वाल होती है वो कैसी होती है बेटा, प्राइमरी होती है, प्राइमरी सेल वाल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मैंने बताया था, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की सेल वाल होती है, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल होती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वाल के अंदर बेसिकली बाहर की तरफ होती है, बाहर वाली जो सेल वाल होती है वो प्राइमरी सेल वाल होती है, जिसमें आपको पेक्टिन, हेमिसेलुलोज और आपको क्या देखने को मिलता है भाई, सेलुलोज देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वाल में क्या होता है, जब अगर सेल वाल के अंदर इन तीन को छोड़कर, पेक्टिन को छोड़कर, हेमिसेलुलोज को छोड़कर, सेलुलोज को छोड़कर, अगर कोई दूसरा कोई सब्सटेंस डिपोजिट होता है सेल वॉल के अंदर, तो वो सेल वॉल कहलाती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। बात क्लियर है यहां तक बेटा ये? ठीक है, प्राइमरी में सिर्फ क्या होंगे, पेक्टिन, हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज, अगर इनके अलावा दूसरा किसी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो ही वो कहलाएगी सेकेंडरी सेलुलोज। जैसे कि इसके अलावा लिग्निन का हो गया, सुबरीन का हो गया, आगे हम पढ़ेंगे इन केमिकल्स के बारे में, लिग्निन है, सुबरीन है, या दूसरे को रेजिन वगैरह अगर प्रेजेंट डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल के ऊपर, उस केस में वो वॉल क्या कहलाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाएगी, सेकेंडरी वॉल कहलाएगी। ठीक है भाई, तो याद रखना कि जो कोलनकाइमा की जो वॉल होती है कैसी होती है, प्राइमरी वॉल होती है, कैसी होती है, प्राइमरी वॉल होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये भी। ठीक है, प्राइमरी वॉल होती है। अब बात आती है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये कैसा होता है, वैक्यूलेटेड होता है। ठीक है, कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे फिगर, एक कोलनकाइमा का फिगर है, एंगुलर कोलनकाइमा है ये। ठीक है, एंगुलर कोलनकाइमा की बात हो रही है, तो यहां पर आप देखोगे एट एन एंगल्स, ठीक है, एंगल्स के ऊपर, ये तो सेल वॉल यहां दिख रही है आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, इसके एंगल्स के ऊपर आपको डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, किसका, हेमिसेलुलोज का, सेलुलोज का और पेक्टिन का। ठीक है भाई, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको देख रहे हो, दीज आर द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। ठीक है, एट एन एंगल्स,
पैटर्न एंगल्स ये होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम एंगुलर कोलन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर कोलन काइमा कहते हैं। सेंटर में हमारे पास क्या एक वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म में इधर क्या बेटा वैक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए कहा मैंने वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और जिसके चलते जो न्यूक्लियस होता है और ये जो प्रोटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट है प्रोटोप्लाज्म, ये पेरीफेरी पर आ जाता है, किनारों पर आ जाता है, ठीक है, पेरीफेरी पे आ जाता है भाई। तो वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म का मतलब है कि ये जो सेल्स कैसे होते हैं, दे आर मैच्योर्ड सेल्स। ये सेल्स कैसे हैं? मैच्योर्ड होते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू अगर हमने पढ़ा, अगर आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा भी था और आपने दोबारा रिवाइज किया होगा, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर आपको वैक्यूल नजर नहीं आते हैं क्योंकि वो मैच्योर टिश्यू नहीं होता है। मगर पैरेन्काइमा के अंदर भी हमें क्या है, वैक्यूल नजर आया था। कोलेनकाइमा के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वैक्यूल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, दे आर द मैच्योर सेल, ये डिफरेंशिएटेड सेल है भाई ये, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो कोलेनकाइमा जो होता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम से ही कोलेनकाइमा बनता है भाई। जो प्राइमरी जो आपका मेरिस्टमेटिक टिश्यू था उससे ही कोलेनकाइमा का निर्माण होता है, ठीक है भाई। याद रहेगा ना, ये याद रखना, ग्राउंड मेरिस्टम का मतलब है प्राइमरी जो आपका मेरिस्टमेटिक टिश्यू था, यानी कि एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू से जो आगे फर्दर टिश्यू बनता है आपका, आता प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, उससे ही आपका कोलेनकाइमा बनता है, जो कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है भाई। ये तो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऑक्यूरेंस की, कहां पर ये प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, ठीक है भाई। कोलेनकाइमा जो है ये कोई भी यूनिवर्सल टिश्यू नहीं, प्लांट के अंदर हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। प्लांट के रूट्स के अंदर नहीं होता है, मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर नहीं होता है। मोनोकोट के रूट्स, मोनोकोट की स्टेम है या डाइकोट की जो रूट्स हैं उनके अंदर आपको कोलेनकाइमा देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ कहां पर मिलेगा आपको देखने का, सिर्फ जो स्टेम्स होती हैं स्टेम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है हर्बेसियस डाइकोटिलीडंस। जो हर्बेसियस डाइकोट्स होते हैं उनकी स्टेम्स के अंदर हमें कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा, वो भी कहां पर बेटा, पेरीफेरी पर, बाहर की तरफ, किनारों पर, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, एक लेयर होती है हाइपोडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब अंदर, नीचे हाइपोडर्मिस होती है प्लांट सेल्स के अंदर, बाहर एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस होती है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर हमें ये सेल्स हमें देखने को मिलते हैं कोलेनकाइमा के। जो कॉर्टेक्स होती है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं किसके बेटा, कोलेनकाइमा सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात नोट डाउन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है, ना तो ये मोनोकोट्स के अंदर मिलेगा, ना ही उनके रूट के अंदर, ना ही उनके स्टेम के अंदर, ठीक है, ना ही डाइकोट के रूट के अंदर आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। सिर्फ कहां मिलेगा आपको, ये स्टेम्स के अंदर। इसके अलावा जो पेटियोल होता है लीफ का, उस पेटियोल पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मिडरी होती है, मिडरी पे चारों तरफ आपको क्या है, कोलेनकाइमा आपको देखने को मिलता है। जो लार्जर लीव्स होती हैं उनके अंदर आपको कोलेनकाइमा आपको देखने को मिलता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो कोलेनकाइमा जो होता है एब्सेंट इन पार्ट्स ऑफ वुडी प्लांट पार्ट्स, वुडी प्लांट पार्ट्स होते हैं वहां पर नहीं मिलता है, रूट्स में नहीं मिलता है एंड मोनोकोटिलेडंस में नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोनोकोट के रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और डाइकोट के रूट के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलता है कोलेनकाइमा, ठीक है भाई। कोलेनकाइमा फॉर्म द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम्स, ये भी पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं कि हाइपोडर्मिस जो होती है वहां पर हमें देखने को मिलता है कोलेनकाइमा, वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं कोलेनकाइमा के, दे आर फ्लेक्सिबल। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेल्युलोज, ठीक है। पेक्टोसेल्युलोज के कारण, पेक्टोसेल्युलोज कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जिसके चलते कोलेनकाइमा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो स्टेम्स होती है डाइकोट्स के, जो स्टेम्स होते हैं, जो हर्बेसियस स्टेम होती है, वो कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कभी देखा होगा आपने भाई, आंधी तूफान आता है तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है, स्टेम टूटता नहीं है, वो जो तना होता है जो क्या है, इधर उधर हिलके प्लांट रह जाता है, कंप्लीटली टूटता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा ऑन देयर पेरीफेरी। आउटर जो वॉल्स होती है एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस होती है, वहां पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को।
इस पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो प्लांट कौन सा है भाई, आपका टिश्यू कौन सा आपका कोलनकाइमा है। ठीक है, जो कोलनकाइमा जो होता है इज एबसेंट इन प्लांट्स आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद जो कोलनकाइमा होता है वो वहां उन पार्ट्स के अंदर एबसेंट होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से इंटर फेस्टिकुलर या फेस्टिकुलर इंट्रा फेस्टिकुलर और फेस्टिकुलर जो कैम्बियम बनाता है, कोर कैम्बियम जिसके बारे में आपको जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो बनने के बाद क्या होता है, कोलनकाइमा वहां से एबसेंट हो जाता है बिकॉज दे आर वुडी, वो वुडी होते हैं इसलिए वहां पर क्या होता है, ये एबसेंट होता है टिश्यू। तो कोलनकाइमा होता है इसके अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है, ऐसे केस में हम कोलनकाइमा को कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऐसा कोलनकाइमा जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम क्लोरेनकाइमा। उसको याद रखना भाई, ठीक है, क्लोरेनकाइमा कोलनकाइमा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नाम है। ऐसा कोलनकाइमा जिसके पास क्लोरोफिल है वो कहलाएगा आपका क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इसके चलते ये दे आर फाउंड हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडन स्टेम, जो डाइकोट होते हैं, डाइकोट जो स्टेम होती है इसके हाइपोडर्मिस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार के सेल्स जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ओकरेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं फंक्शंस के, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हो चुका था, एक प्रकार के मैकेनिकल टिश्यू है इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज बायोलॉजिकल क्या सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसके अलावा इट आल्सो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ वेरियस ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि लचीलापन एक प्रोवाइड करता है, जो ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के उनके अंदर क्या है, एक लचीलापन प्रोवाइड करता है ये टिश्यू। क्लियर है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस होने के कारण बेटा ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी मदद करता है। क्लोरनकाइमा जो हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है कोलनकाइमा। ठीक है, लास्ट आपका जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है हमारा कौन सा है, स्क्लेरनकाइमा। इसको हम डेड टिश्यू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेड टिश्यू कहते हैं बिकॉज ये एट मेच्योरिटी दे लूज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वगैरह सब लूज कर जाता है और दे बिकम डेड एट मेच्योरिटी, इसलिए इसको डेड टिश्यू भी कहते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स क्या होता है, मेन जो टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो मैकेनिकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को सीधा इरेक्ट खड़ा रहने में मदद करता है वो कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है प्लांट का, ठीक है, मेन सपोर्टिव टिश्यू होता है प्लांट का, प्लांट को इरेक्ट खड़ा करने में मदद करता है। इसकी जो सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, थिक वॉल्ड होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन के कारण ये थिक वॉल्ड होते हैं और डेड होते हैं। ठीक है भाई, डेड होते हैं। अब हम बात करते हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ पेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन हार्ड वॉल। ठीक है, जो हार्ड वॉल होती है स्क्लेरनकाइमा की सेल्स की, इसके ऊपर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वहां पर क्या हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स आर सीन। पिट्स मतलब एक प्रकार के छोटे छोटे छेद आपको नजर आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स आर प्रेजेंट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द हार्ड वॉल ऑफ द स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स। अब एक बात और बतानी भूल गया था, कोलनकाइमा के अंदर आपको उसको उसको कर लेते हैं एक बार। तीन प्रकार के कोलनकाइमा होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं, एंगुलर जैसा कि डायग्राम में हमने देखा था वहां पर, एंगुलर हो गया, ठीक है, आपका हो गया लेटरल, ठीक है, एक एंगुलर हो गया, एक लेटरल हो गया, एक हमारा होता है लेक्यूनेट टाइप का, एक होता है लेक्यूनेट टाइप का। ये तीन प्रकार के कोलनकाइमा होते हैं। ये जो तीन प्रकार जो क्लासिफिकेशन जो किया है कोलनकाइमा का बेटा, किसके बेस के ऊपर किया है, वो हमने क्लासिफाई किया है कि जो डिपोजिशन होता है पेक्टिन का, हेमिसेलुलोज का और सेलुलोज का, वो सेल के किस पार्ट के ऊपर होता है। ठीक है, पहले वाले हमने किया था भाई, ये कोलनकाइमा है, ये कोलनकाइमा यहाँ पर है, एक कोलनकाइमा यहाँ पर है, तो इसके जो एंगल्स थे यहाँ पर क्या डिपोजिशन था किसका भाई,
इनका, तो ये कहलाता है एंगुलर। लेटरल की बात करें तो मान लो भाई ये एक कॉलन काइमा है, इसके विड्थ वाले हिस्से की तरफ और ये जो लेंथ वाला हिस्सा है, लंबवत जो हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर जब डिपोजिशन होती है लिग्निन के, किसकी लिग्निन को नहीं, हेमिसेलुलोज की, सेलुलोज की और पेक्टिन की, तो इस प्रकार के जो कॉलन काइमा होते हैं वो कहलाते हैं लेटरल कॉलन काइमा। अब लैकुनेट में क्या होता है, लैकुनेट में क्या होगा भाई, ये सेल्स हो गए आपके किसके, कॉलन काइमा के, ठीक है। अब इसके बाहरी वॉल की तरफ क्या होगा, डिपोजिशन होगा किसका, पेक्टिन का, सेलुलोज का डिपोजिशन होता है यहां पर इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो जिसके चलते बीच में कैविटी रह जाती है, ठीक है। देखो चारों तरफ क्या यहां पर डिपोजिशन है कॉलोन किसका, सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, और साथ ही साथ किसका, पेक्टिन का, और डिपोजिशन होने के कारण जो इंटर सेलुलर स्पेस होती है बीच में, यहां पर कैविटी रह जाती है, तो इसे ही कहते हैं लेक्यूनेट टाइप ऑफ कॉलन काइमा। लेक्यूना का मतलब ही होता है कैविटी, इसको याद रखना भाई, आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी आएगा ये वर्ड लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब क्या होता है, कैविटी, ठीक है। तो ऐसे कॉलन काइमा सेल जिसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है वो कहलाता है लेक्यूनेट टाइप ऑफ कॉलन काइमा। तो ये तीन प्रकार के कॉलन काइमा होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेल्स के बेस के ऊपर क्वांटिटी ऑफ डिपोजिशन, लिग्निन कितनी मात्रा में डिपोजिट होता है इनके सेल वॉल के अंदर, और उसकी लेंथ कितनी है सेल्स की, उसके ऊपर इन इन फैक्टर्स के ऊपर, इनके बेसिस के ऊपर जो स्क्लेरन काइमा है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स। स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स, ये तीन सब क्लासिफिकेशन, सब डिविजन होती है किसकी, स्क्लेरन काइमा। दो प्रकार का स्क्लेरन काइमा होता है, स्क्लेरिड्स एंड स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स। तो स्क्लेरिड्स होते हैं साइज में छोटे होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स होते हैं साइज में क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरिड्स की बात करें तो स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल एक्सट्रीमली थिक वॉल, इनकी वॉल काफी थिक होती है, एंड देयर एंड्स आर पॉइंटेड। उसके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंट कुछ इस प्रकार से स्मॉल होते हैं और उनके एंड कुछ इस प्रकार से पॉइंटेड होते हैं। ये एंड्स हमारे क्या है, पॉइंटेड है, ठीक है। स्मॉल होते हैं, थिक वॉल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं इनके एंड्स। तो स्क्लेरिट्स होते हैं यार आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, और इरेगुलर इन शेप। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है सेम टाइप ऑफ शेप हो सकती है इनका, साइज सेम हो सकता है सेल्स का, या फिर कैसे इरेगुलर इन शेप, किसी भी प्रकार के स्टार शेप आपके क्या है, इस प्रकार के हो सकते हैं, स्टार शेप हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं। जो स्क्लेरिट्स होती हैं इनके पास क्या होती है, बिट्स ज्यादा होती है, ल्यूमन काफी छोटा होता है। ल्यूमन मतलब अगेन सेंट्रल जो कैविटी है, जो जगह है वो काफी छोटी होती है, इन द केस ऑफ स्क्लेरिट्स काफी छोटी होती है, मगर पिट्स इसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू द पिट कैविटी, ठीक है। अकॉर्डिंग द पिट एंड कैविटी स्क्लेरिड्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार के हो गए हमारे, सबसे पहला हमारा कौन सा हो गया, स्टोन सेल्स और ब्रैकी स्क्लेरिड्स और ग्रिट सेल्स। ये स्क्लेरिड्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो स्टोन सेल्स, ब्रैकी स्क्लेरिड्स एंड ग्रिट सेल्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल और ओवल इन शेप होते हैं, और कहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जो एंडोकार्प होता है ड्रिव फ्रूट्स का, ठीक है, ड्रिव फ्रूट मैंगो का जो फ्रूट है वो ड्रिव फ्रूट है बेटा, उसका जो एंडोकार्प था स्टोनी होता है ना, तो उनके अंदर हमें स्टोन सेल्स या फिर ब्रैकी स्क्लेरिड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके चलते एंडोकार्प क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एंडोकार्प ऑफ कोकोनट, मैंगो, आलमंड एंड वॉलनट के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रिव फ्रूट्स को छोड़ के अलावा जो ब्रैकी स्क्लेरिड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ पियर, पियर का जो फ्लैशी एडिबल पार्ट होता है वहां पर भी हमें क्या है, स्क्लेरिड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ट्राइको स्क्लेरिड्स हो गया, दीज आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल हेयर्स, इनको हम इंटरनल हेयर्स के नाम से भी जानते हैं। ये स्पाइन के जैसे होते हैं, बाइफर्केटेड, यानी कि इसके दो एंड्स आपको नजर आएंगे इस प्रकार से, बाइफर्केटेड होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बाइफर्केटेड होते हैं भाई। एंड फाउंड इन फ्लोटिंग लीव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहां पर मिलता है, फ्लोटिंग लीव्स के अंदर मिलता है, ट्राइको स्क्लेरिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रो स्क्लेरिड एंड स्टीलेट स्क्लेरन काइमा, स्टार शेप कैसे होते हैं भाई, ये स्टार शेप होते हैं, कैसे होते हैं, स्टार शेप होते हैं, और ये भी कहां देखने को मिलता है, फ्लोटिंग लीव्स के अंदर देखने को मिलता है,
ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रोस्लेरिट्स और रॉड सेल्स और मालपेजी सेल्स, एक ही नाम है तीनों एक ही बात है। मैक्रोस्लेरिट्स को हम रॉड सेल्स भी कह देते हैं, मालपेजी सेल्स भी कहते हैं, ये स्मॉल होते हैं, रॉड लाइक सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सीड कोट। कहाँ मिलते हैं? सीड कोट के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं नीट के कि ड्रूप के अंदर कौन सा टिश्यू है, कौन सा स्लेरिड का प्रेजेंट है। आपका स्लेरिड होता है, स्लेरिड भी कौन सा होता है, स्टोन है, ब्रैकेट स्लेरिड्स। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं नीट वाले। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, द फॉर्म ऑफ जो स्क्लेरिट्स होते हैं, द फॉर्म द पार्ट ऑफ सीड कोट इन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, इनकी प्रेजेंस के कारण जो सीड कोट होती है हार्ड हो जाती है भाई, क्योंकि डोरमेंसी में, डोरमेंसी मतलब है अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है। क्लियर है? तो हार्डर सीड कोट इज फाउंड इन फ्रेंच बीन, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सबसे हार्डर सीड कोट की होती है फ्रेंच बीन की होती है। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर जो हार्डेस्ट सीड कोट किसकी होगी भाई? लोटस की। लोटस की जो सीड कोट होती है, सीड के बाहर की जो परत होती है सबसे ज्यादा हार्ड होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ड होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से निकल कर आ रहा है यहां पर। ठीक है, इसको नोट डाउन करना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्लेरिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ स्क्लेरिड की, ओस्टियो स्क्लेरिड। ओस्टियो मतलब ये बोन, ऐसा स्क्लेरिड जो दिखने में बोन जैसा होता है, उसके एंड बोन जैसे होते हैं, उसे कहते हैं हम ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, आल्सो नोन एज प्रॉप सेल्स। इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सेल्स होते हैं सिर्फ जो प्लांट हेकिया जो प्लांट है और जो ओस्मेंथस प्लांट है इनकी लीव्स के अंदर में देखने को मिलते हैं। ओस्टियोस्क्लेरिड्स कहां देखने को मिलते हैं? हेकिया एंड ओस्मेंथस प्लांट के अंदर में देखने को मिलते हैं। लास्ट हमारे कौन सा है इसके अंदर? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। दीज सेल्स आर फाइबर्स होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं बेटा दिखने में, धागे जैसे होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं प्लांट, सबसे प्लांट बोर्डिंग है, सबसे लंबे सेल्स कुछ होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। इनके दोनों जो एंड कैसे होते हैं बेटा? पॉइंटेड होते हैं। ये आपका इस प्रकार का फाइबर हो गया और इनके जो एंड क्या होंगे? पॉइंटेड होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ड्यू टू थिक सेल वॉल के कारण जो ल्यूमन होता है इनके अंदर काफी रिड्यूस, काफी कम हो जाता है। वॉल इतनी मोटी हो जाती है कि इनकी सेंट्रल कैविटी होती है बेटा काफी थोड़ी रह जाती है। ठीक है, और इनकी सेल वॉल के अंदर में क्या देखने को मिलता है? सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स, छेद हमें देखने को मिलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर के अंदर। ठीक है, सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स आर प्रेजेंट इन द स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो फिगर आपके सामने है भाई, ये है किसकी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, ये ब्रैकेट स्क्लेरिड है, स्फेरिकल शेप होती है, सेंटर में काफी छोटी सी क्या ल्यूमन है, कैविटी प्रेजेंट है, और इसके बाहर की तरफ आप देख सकते हो ये क्या है, आपकी कैनाल है, टनल है भाई, ये ल्यूमन कैनाल्स, इन्हें कहते हैं ल्यूमन कैनाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमन कैनाल्स कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, दिया थिकेंड एरिया ऑफ द सेल वॉल, ये जो दिख रहा है थिकेंड एरिया है सेल वॉल के, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन लिग्निन का अधिक मात्रा में डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण सेल वॉल क्या होती है, थिक हो जाती है। ठीक है, बी वाला जो पॉइंट आपका कौन सा, स्टार लाइक है तो कौन सी, एस्ट्रोस्क्लेरिड है। डी वाली कौन सी दिख रहा है, बोन टाइप दिख रही होगी आपकी, ओस्टोस्क्लेरिड है। सी वाली कौन सी आपकी, मैक्रोस्क्लेरिड है, इसे हम हेरिस्क्लेरिड भी कहते हैं, हेरिस्क्लेरिड के नाम से इसको जानते हैं, मैक्रोस्क्लेरिड को। ठीक है, आखिरी वाली कौन सी है, ट्राइकोस्क्लेरिड। आखिरी वाली मतलब कैसे, ट्राइकोस्क्लेरिड के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स। ठीक है, अब ये फिगर आपको नजर आ रही है किसके बेटा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की। ठीक है, सेंटर में आपको नैरो ल्यूमन है, काफी छोटा सा आपको ल्यूमन कैविटी नजर आ रही है, और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे हो ये छोटी छोटी पिट्स आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ये पिट्स छेद नजर आ रहे हैं इनकी वॉल के अंदर। ठीक है, और सेल वॉल क्या है इनकी, काफी थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण की सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, तो यहां पर देख पा रही हो ये आपके सिंपल पिट है, एक पिट इसके अंदर हो गया आपकी, एक सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर एक पिट ये हो गया आपकी। ठीक है, सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। यहां पर भी दिख रहा है आपको जो दूसरी जो टाइप ऑफ जो आपकी क्या थी, जो पिट्स थी, ओब्लिक पिट्स की बात करें, ओब्लिक पिट का मतलब होता है ऐसी पिट, ऐसा छेद जो एट एन एंगल हो, किसी एंगल पर, किसी एंगल पर क्या है कोई पिट प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हमें ओब्लिक पिट। ठीक है, सिंपल पिट बिल्कुल ट्रांसवर्स होती है आपकी, सीधी होती है बिल्कुल,
ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंगुलर पॉइंट्स के ऊपर क्या है, ये पिट प्रेजेंट है, इसे कहते हैं ओब्लिक पिट। दो प्रकार की पिट हो गया, कौन कौन सी भाई, ओब्लिक पिट एंड सिंपल पिट आर प्रेजेंट। यहाँ पर आपको सेकेंडरी वाल्व नजर आ रही है, यहाँ पर आपको प्राइमरी वाल्व नजर आ रही है, ठीक है। सेकेंडरी वाल्व में क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है प्राइमरी वाल्व के अंदर, जिसके चलते सेकेंडरी वाल्व का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, इन्हीं के अंदर में क्या देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पर सिंपल सेकेंडरी वाल्व में देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो फाइबर्स जो होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर दो प्रकार के होते हैं, जाइलरी और वुड फाइबर्स, दूसरा बार कौन सा, बास्ट फाइबर्स और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर और फ्लोइंग फाइबर्स। जाइलरी फाइबर वो फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस वो फाइबर होते हैं जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सी बात है बस, ठीक है। जाइलम के अंदर जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो आपके कहलाते हैं जाइलरी और वुड फाइबर्स कहलाते हैं। और ये फाइबर कैसे होते हैं, हार्ड होते काफी, ड्यू टू दिस हार्डनेस दे आर नॉट यूजफुल, इस हार्डनेस के कारण ये फाइबर हमारे लिए किसी प्रकार के यूजफुल नहीं होते। एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, मुंज फाइबर, सेकर मुंजा साइंटिफिक नेम है भाई ये मुंज फाइबर, ठीक है। बास्ट फाइबर्स और एक्स्ट्रा जलेरी फाइबर्स की बात करें या फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, ऐसे फाइबर्स जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम बास्ट फाइबर्स, एक्स्ट्रा जलेरी फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स। और ये फाइबर्स कैसे होते हैं बेटा, दे आर फ्लेक्सिबल, कैसे होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल होते हैं, और इन्हें हम कमर्शियल फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम अपने यूज में लेते हैं, दे आर निटेड इजिली, इनको हम बुन सकते हैं, ठीक है, इनको कह रहे बुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जूट का जो प्लांट है, ठीक है, जूट के प्लांट से जो फाइबर निकलता है, जूट बैग बनते हैं, रस्सी बनती है, ठीक है, वो सारे सारे हमारे कौन से फ्लोइंग फाइबर्स होते हैं। कोरकोरस कैप्सुलरिस जूट प्लांट का नाम है ये, कुटोलेरिया जूटिक्सा सनहेम का नाम है, हिबिस्कस सेब सेब डेरिफा पटुआ का नाम है, और ऑब्टेंड फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोइंग ऑफ स्टेम, ठीक है। इन फाइबर से हमें, ये जो फाइबर हम किससे मिलते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम से मिलते हैं, बास्ट फाइबर्स, एक्स्ट्रा जलेरी फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, इनको हम आसानी से नीट कर सकते हैं, इनको अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कॉमर्शियल फाइबर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, जूट हो गया, सन हेम्प हो गया, और हमारा पटुआ हो गया, क्लियर है बेटा। इसके अलावा जो बास्ट फाइबर होते किसके, हेम्प के, कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है, हेम्प जो प्लांट होता है, और जो लाइनम यूस्टी टेटिसिमम जो प्लांट है, फ्लेक्स जो प्लांट है, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल के लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, उससे हमें ये हेम्प का फाइबर और फ्लेक्स का फाइबर हमें मिलता है। बल्कि सन हेम्प की बात करें, जूट की बात करें, और ये पटुआ की बात करें, इनके फाइबर हमें सेकेंडरी फाइलम से हमें मिलते हैं, क्लियर है बेटा। ये हो गया हमारे किसके बारे में, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। पेरेनकाइमा हम कर चुके हैं बेटा, कोलेनकाइमा हमारा हो चुका है, स्क्लेरेनकाइमा हमारा हो चुका है, लास्ट हमारा रह गया हमारा इसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम कल स्टार्ट करेंगे। और कल वाले लेक्चर में सिर्फ हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे जाइलम के बारे में, किसके बारे में, जाइलम के बारे में बात करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम फ्लोएम के बारे में बात करेंगे, अगर दोनों को साथ हम लेकर चलते हैं तो ये लेक्चर हमारा काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो बोरियत तो महसूस होगी। तो कल हम बात करेंगे सिर्फ जाइलम फाइबर्स के बारे में, जाइलम टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक।